छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश्क वरी खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने देवेंद्र नगर चौक पहुंचे। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे थे। श्रीचंद सुंदरानी ने नारियल फोड़कर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी हुई। मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम पूरा होने के बावजूद कांग्रेस सरकार इसका लोकार्पण नहीं कर रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि निर्माण कार्य अधूरा है, इसमें तकनीकी खामियां हैं, बिना जांच कराए इसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के चरित्र में ही कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, 10 मिनट में स्टेशन से सीधा आप माना पहुंच सकते हैं, एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन भूपेश सरकार इसका लोकार्पण इसलिए नहीं करना चाहती, कहीं ना कहीं ये रमन सरकार को क्रेडिट जाएगा, इसलिए इसका वो लोकार्पण। बीजेपी शासनकाल में पापाड़ी से केने तक बनाए गए एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी ने ये मांग की थी कांग्रेस सरकार से कि 30 जून तक इसका उद्घाटन करा दिया जाए, लेकिन सरकार ने काम बचे होने की दलील के साथ इसका उद्घाटन नहीं किया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपाई पहुंचे हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और शहर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी तादाद में भाजपाई यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके की आशंका थी पुलिस प्रशासन को, ठीक उसके अनुरूप यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और अब जब भाजपाई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर बल प्रयोग करते नजर आ रही है, रोकने की कोशिश करते नजर आ रही है और झूमा झटकी के हालात बन गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस झूमा झटकी के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी है और धक्का मुक्की करते हुए भाजपा ही आगे बढ़ रहे हैं। जो बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई थी उस बैरिकेटिंग को भी यहाँ पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और उसे आगे बढ़ गए हैं। भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। किन मांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे क्या है? मामला यह है कांग्रेस सरकार ने देश का रोजगार को किया और हम लोग हर विकास के लिए और जनता उसने दिलाएंगे। क्या मांगे हैं? ये हम ओवरब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं, लोकार्पण करने आए थे। लोकार्पण करना सरकार का काम है, भाजपा को जरूरत क्यों पड़े? सरकार कुछ न करे तो जनता को अधिकार है करने की। सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, ये आरोप भाजपा का है, लेकिन जरूर बीजेपी के लिए प्रदर्शन का ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन हकीकत है जिस तरीके से कांग्रेस की दलील है कि रोड का निर्माण, एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाया है और यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार इसका वक्त पर उद्घाटन नहीं कर पा रही है। कैमरामैन रेख राम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में